हेलो गाइस, मैं हूं अरुण और आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो फोल्डर्स होते हैं उसके अंदर बहुत ही मेस्ड फाइल होती है, मतलब कि सारी फाइल्स मिक्स होती हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूं, कोई फाइल ढूंढनी पड़ेगी मुझे, वैसे तो मैंने इसको ट्राई किया। देखिए यहाँ पे सब कुछ मैस है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पाइथन फाइल और फिर टेक्स्ट फाइल, इमेज आई मीन जेपीजी फाइल, उसके बाद ये कौन सी फाइल, वेव फाइल है, और फिर ये जेसन, और ये बिट मैप इमेज है, और ये देखिए पाई फाइल, सब कुछ कितना मेस्ड अप है। तो फिर इसको हम लोग क्या होता है यूजुअली कि हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि इसको कैसे हम लोग वो करेंगे, इसको हम लोग कैसे सेपरेट कर दें कि आसानी से इसको हम लोग वो कर सकें, और आसानी से हम लोग इसको अलग कर सकें कि हम लोग एक अलग फोल्डर बनाए वीडियोज़ का, उसमें MP4 फाइल्स जाएँ, और इसके बाद मीडिया में अलग जाए, इसके बाद ऐसे ही करते करते ढेर सारी फाइल्स जो हैं अपने अपने जगह पे चली जाए। तो फिर आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि हम लोग पाइथन की मदद से इसको कैसे बनाएंगे, और फिर इससे होगा क्या कि मैं आपको इसकी exe फाइल भी बनाना सिखा दूंगा, और फिर इसे आप अपने दोस्तों को भी इसको दे पाएंगे, जिसकी वजह से बहुत ही काम ईजी हो जाएगा। तो फिर मेरे साथ वीडियो में बने रहे और देखते रहे मेरे साथ। तो पहले क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले अपना कमांड विंडो तो यहाँ पे खोल ही लेंगे, ये तो कॉमन चीज़ है। तो फिर मैंने यहाँ पे कमांड विंडो खोला, और फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा कोड डॉट, मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे खोल लूँगा, और फिर यहाँ पर मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे कुछ और प्रोग्राम खुल गया, तो फिर यहाँ पे नई फाइल हम लोग क्रिएट कर देंगे। अब देखिए फाइल सोच समझ के नाम रखिएगा, क्योंकि अभी आगे बताता हूँ। इसको रखेंगे माई मेन फाइल, माई डॉट पाई। देख लीजिए पाइथन फाइल आ गया। इसके लिए हम लोग को 3 इनबिल्ट मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे OS को, और इंपोर्ट पार्सलिप, और उसके बाद हम लोग इंपोर्ट करेंगे SHUT। अब बताता हूँ मैं इसको, इन सब का करना क्या है। सबसे पहले तो हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जो फोल्डर बनाएगा, फोल्डर का F कैपिटल कर देते हैं, यहाँ पे फोल्डर नेम। अब देखिए दो केस होते हैं फोल्डर बनाने में, अगर वो फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो फिर उसको फोल्डर ना बनाए, ओवरराइट ना करें, नहीं तो हो सकता है कि सारा डेटा उड़ जाए। तो फिर करेंगे क्या, इफ OS.path डॉट एग्जिस्ट, एक्चुअली इसको नॉट करना था मुझे, और फोल्डर में ये फंक्शन है, इफ नॉट, अगर नहीं है तो क्या करेगा, ये फोल्डर बना देगा मेरा। देन OS.makeDIR, एक्चुअली दो फंक्शन है इसके, FDIRs। अब इसके अंदर फोल्डर नेम, ये देखिए हो गया। अब ऐसे क्या होगा कि फोल्डर बना देगा मेरा अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो। अभी देखिए होता क्या है कि आपको आपको जैसे क्योंकि कि आपके पास बहुत सी फॉर्मेट होती है, जैसे BMP, XML और पाई फाइल्स, और फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ऐसी कई सारी फाइल होती है। अब हर एक फाइल तो आप डाल नहीं सकते अपने प्रोग्राम के अंदर। फिर हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं जिसकी मदद से हम लोग इसका फॉर्मेट लेंगे, और उसके हिसाब से वो अपने आप उसको ट्रांसफर कर देगा। जैसे MP3 की MP3 में जाएगी, वेव की वेव में जाएगी, वैसा कि म्यूज़िक है तो फिर वेव MP3 सब एक जगह नहीं जाती, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि वेव फाइल हम लोग को अलग सेपरेट मिले। इसीलिए मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है, मैं सब देख रहे हो। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पे एक एल्स स्टेटमेंट भी डाल देते हैं, एल्स पास, ये कुछ प्रिंट कर देते हैं ऑलरेडी, हाँ प्रिंट नहीं करेंगे इसको, पास ही कर देते हैं। अब देखिए दूसरा फंक्शन हम लोग बनाएंगे, डेफ मेन, मेन फंक्शन यहाँ पे है। तो फिर मेन फंक्शन में सबसे पहले क्या है कि सारी सारी जो डायरेक्टरी है उसको हम लोग अलग कर देंगे, जितने भी फोल्डर हैं। तो फिर सबसे पहले लिखूंगा माई फाइल्स इज इक्वल्स टू OS.listDIR, इस डायरेक्टरी में कितने एलिमेंट्स है सब ये बता देगा। माई फाइल्स एक
ये एक लिस्ट रिटर्न करते हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, प्रिंट मेन तो मैंने चलाया ही नहीं, यहाँ पे मेन लिख देते हैं, अब मेन चलेगा। ये देखिए मुझे सारा सारा मिल गया है, यहाँ पे सब कुछ मुझे मिल गया है। और फिर अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो फॉर्मेट हम लोग कैसे प्रिंट करें मैं बताता हूँ। फॉर आई इन और माई फाइल, तो फिर इसको पहले कमेंट आउट कर देते हैं, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं। फॉर आई इन माई फाइल, जो मेरे फाइल्स के एलिमेंट हैं, यानी कि एक लूप चलाएंगे, आई को प्रिंट नहीं करेंगे हम लोग। देन फॉर्मेट, फॉर्मेट और माई फॉर्मेट कर देते हैं। माई फॉर्मेट इज इक्वल्स टू, अब देखिए माई फॉर्मेट किसके इक्वल होगा, माई फॉर्मेट होगा पाथलिब डॉट पाथ के अंदर आई डॉट सफिक्स। अभी एक इसका एक एट्रीब्यूट है सफिक्स, जिससे कि इसके लास्ट वर्ड दे देगा डॉट के बाद, कि इसका आखिर लास्ट वर्ड है क्या। अभी देखिए क्या बनता है मुझे, और प्रिंट तो मैंने किया नहीं, सॉरी। प्रिंट माई फॉर्मेट, अब इससे क्या होगा कि मेरा सारा फॉर्मेट जो है प्रिंट हो जाएगा। माई फॉर्मेट ये देख लीजिए, मैंने कहा था कि सर देखिए देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई फाइल भी नहीं है, मतलब कि यहाँ पे फोल्डर्स है। ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सिर्फ फोल्डर्स हैं, और फोल्डर्स का ही इसने छोड़ दिया है, चाहे तो आप पढ़ लीजिए MP4 पाई, देख लीजिए सारे सारे फोल्डर्स इसने छोड़ दिए। अब मैं क्या करूँगा कि अब ये उसको प्रिंट ना करे, मैं ये चाहता हूँ कि ये उसको ले ही ना, तो फिर हम लोग क्या करेंगे इसमें। अब देखिए बस आगे क्या करते हैं हम लोग, इफ आई माई फॉर्मेट इज इक्वल्स टू नन, मतलब कुछ नहीं, तो क्या करोगे तुम, पास कर दोगे। अब देखिए हम लोग इसकी exe फाइल बनाने वाले हैं, तो फिर दो आर्ग्यूमेंट ऐड करेंगे एलिफ। अब देखिए एलिफ आई, अब आई को लेंगे हम, इज इक्वल्स टू मेरे फाइल का नाम था माई मेन फाइल, शायद से मैंने यही नाम रखा था, तो फिर माई मेन फाइल, मेन फाइल डॉट पाई। अगर ऐसा है तो फिर तो भी इसको प्रिंट नहीं करना है, तो इसको पास कर देना है। अब एक और एलिफ माई फॉर्म माई आई, सॉरी आई इज इक्वल्स टू किसके, माई माई मेन फाइल डॉट ई एक्स ई। अब इसको आपको बाद में पता चलेगा मैं इसको ऐसे क्यों किया हूँ, आपको पता चल जाएगा बाद में, और जिसको हम लोग पास कर देंगे। अब एल्स, वरना तुम क्या करोगे, प्रिंट कर दोगे सारी फाइल्स, प्रिंट माई फाइल्स। ओ मैंने कहाँ पे वेरिएबल बनाया था यार, माई फॉर्मेट, सॉरी माई फॉर्मेट। अब देखते हैं क्या आता है आउटपुट, मेरे ख्याल से कोई गैपिंग नहीं आनी चाहिए, देखा कोई भी गैपिंग नहीं है यहाँ पे, और मुझे जो है सक्सेसफुली सारी फाइल्स मिल चुकी हैं। अब देखिए क्या होगा कि फोल्डर भी तो बनाना होगा हमें, अलग अलग फोल्डर अपने आप बन जाए, तो फिर अब हम लोग सीधे कोड लिखने वाले हैं, डायरेक्ट कोड। तो फिर अब एल्स में हम लोग इसको प्रिंट नहीं करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे। अब ये जो है ये हमारे जो फंक्शन है माई फॉर्मेट, ये एक वो है, इसको हम लोग स्ट्रिंग करेंगे, क्योंकि माई फॉर्मेट ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है सफिक्स। मैं दिखाता हूँ अभी, अगर मैं लिखूँ माई फॉर्मेट डॉट रिप्लेस, देखिए ये सिर्फ स्ट्रिंग में ही फंक्शन आता है, और बहुत सी चीज़ों में, लेकिन ये तो स्ट्रिंग ही है। तो फिर हम लोग नया बनाएंगे, न्यू फॉर्मेट, ऐसे यहाँ पे DIRs बनाते हैं, डायरेक्टरीज, सारी जो डायरेक्टरीज हैं। माई फॉर्मेट डॉट रिप्लेस, हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, डॉट को किससे रिप्लेस कर देते हैं हम लोग एम्प्टी से रिप्लेस कर देंगे, ताकि वो डॉट फाइल ना बचे। और उसके बाद क्या करेगा कि वो जो DIRs है उसके प्लस उसके आगे भी कुछ होगा फाइल्स, ऐसे अच्छा लगेगा, कुछ क्लीन हो जाएगा। इसको मैं डॉट टाइटल करूँगा,
चलो डिसकनेक्ट हो गया है और अभी कनेक्ट हो चुका है। और फिर यहाँ पे मैंने बना दिया अपनी फाइल्स। इसके बाद हम लोग जब डायरेक्टरीज प्रिंट करेंगे तो देखिए क्या होगा। अब आपको मज़ा आएगा। अब देख लीजिए अब मुझे डायरेक्टरीज कौन कौन सी मिलने वाली हैं। फाइल्स इज नॉट डिफाइंड, सॉरी, कहाँ फाइल्स? ओ, इसको तो स्ट्रिंग करना था। ओप्स, मैं ध्यान कहीं और था। बिल्ट इन स्ट्रिंग, ओ, डॉट रिप्लेस डॉट टाइटल, ओ सॉरी, ये तो फंक्शन है। छोटी छोटी मिस्टेक तो होती रहती है। ये देख लीजिए मुझे क्या मिल गया। और यहाँ पे कोई गैपिंग नहीं है तो फिर यहाँ पे एक गैपिंग दे देते हैं बस। अब यहाँ पे स्पेस है और अब देखिए क्या मिला मुझे। JPG फाइल्स, MP4 फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स, पाई फाइल्स, XML फाइल्स। अब देखिए ये हर एक फाइल्स के लिए अलग फोल्डर बनाएगा, लेकिन ये जो मेरा फंक्शन है इसको बनाने नहीं देगा वही फोल्डर फिर से, क्योंकि अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो किसको क्यों बनाएगा, इसीलिए उसको स्किप करके उसको उस फाइल को उसी डायरेक्टरी में डाल देगा। अब जब इसको मैंने डायरेक्टरीज तो बना ही ली है, अब क्या करेंगे हम लोग कि हम सबसे पहले करंट वर्किंग डायरेक्टरी लेंगे। CWD, करंट वर्किंग डायरेक्टरी इज इक्वल टू OS.getCWD। इससे हम लोग को करंट वर्किंग डायरेक्टरी मिल जाएगी। अब इससे क्या फ़ायदा मिला अभी दिखाता हूँ मैं। अब इससे हम लोग को करंट वर्किंग डायरेक्टरी मिली गई। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, अब मूव कर देंगे। किसकी मदद से मूव करेंगे? SHUtil की मदद से। तो फिर SHUtil डॉट मूव, इसको मूव करेंगे। अब देखिए हम लोग जो आई है उसको मूव कर देंगे, यानी कि हम लोग का जो फाइल है उसको मूव करेंगे। कहाँ मूव करेंगे? और इसको मूव करेंगे हम लोग CWD, CWD। पहले मैं कुछ मूव नहीं करूँगा, अभी तो मैंने डायरेक्टरी नहीं बनाई। तो फिर पहले मैं CWD को भी प्रिंट कर देता हूँ, करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, और मैं रन करता हूँ। देखिए क्या मिला, सी यूजर है बिजी डेस्कटॉप अरुण, कोई है मेरा नाम है अरुण। और फिर देखिए अब इसके आगे क्या होगा कि मैं एक पूरा पाथ देने वाला हूँ इसको। तो फिर हम लोग इसको पाथ कैसे देंगे? सबसे पहले तो इसको डायरेक्टरी बना देनी है, पहला काम तो ये करना है। फोल्डर में मेक फोल्डर, फोल्डर मेकर DIR, डायरेक्टरीज मेरी बन गई हैं, बन जाएंगी मतलब। अब जो मेरी डायरेक्टरीज बन चुकी हैं अब उसको जो है मूव करना है। अब हम लोग अब यहाँ पे main.py को मैंने क्यों नहीं किया मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि जब आप इसको यूज़ करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपका जो ये main.py है इसको भी ये खुद ही ले ले खुद को, और फिर इसको खुद ही पाई फाइल में मूव कर दे, तो फिर थोड़ा सा ख़राब लग जाता है। इसलिए मैंने इसको ऐसे किया ताकि ये खुद को मूव ना करे, बाकी चीज़ों को मूव कर दे। तो फिर देखिए हमारी जो डायरेक्टरी है वो डॉट टाइटल करके मैंने तो डायरेक्टरी बना दी है, और अगर मैं रन करूँ तो देखिए सारे फोल्डर्स अपने आप बन जाएंगे जो जिसमें जो इतने इसमें होंगे। ये देखिए BMP फाइल, JPG फाइल, JSON, MP3, MP4, न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर तो पहले गया। देखिए आपके पुराने फोल्डर्स को कुछ भी नहीं होने वाला इसके से। तो फिर मैं यहाँ पे अब क्या करने वाला हूँ, तो फिर फोल्डर तो मैंने बना लिया, अब मैं कैसे ट्रांसफ़र करूँगा? तो फिर SHUtil मॉड्यूल का यूज़ करने वाले हम लोग। डॉट मूव, किसको मूव करेंगे हम लोग? आई को मूव कर देंगे। और यहाँ पे पहले मैं एक बनाता हूँ पाथ, पाथ इज इक्वल टू किसके? करंट वर्किंग डायरेक्टरी CWD, मैंने कहाँ पे डिफाइन किया था? CWD, मेरा CWD कहाँ गया है? तो मैंने CWD को वेरिएबल शायद से कुछ कर दिया। CWD इज इक्वल्स टू OS गेट करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक। तो मुझे गेट करेंट वर्किंग डायरेक्टरी से मेरा पाथ मिल गया। तो फिर जो है CWD प्लस एफ स्ट्रिंग मैं इसमें ऐड करूँगा। कौन सा एफ स्ट्रिंग मैं बता पाऊँगा? सबसे पहले तो स्लैश स्लैश जो मेरी करेंट डायरेक्टरी थी, जो मैंने अपने डायरेक्टरी बनाई थी DIRs, मेरी DIRs मिल गई है प्लस स्लैश स्लैश मतलब। हाँ अब देखिए हमें मेरा जो बैक स्लैश है ये दो लेता, तो फिर अब मुझे पूरा पाथ मिल गया। अब मैं हर बार पाथ पाथ प्रिंट करता हूँ। अब देखिए मुझे क्या मिला, देखिए अपने हिसाब से ये हर फाइल के लिए अपना अपना दिखा देगा।
मैंने इसको पता नहीं क्यों किया है। तो फिर देखिए, देखिए अरुण टेक्स्ट फाइल्स, देखिए अपनी अपनी डायरेक्टरी के अंदर मैं जा चुका हूँ, और फिर इससे अब क्या होगा कि मूव कर देगा, किसको मूव करेगा अभी देखिए, shutil.mov, किसको मूव कर दो, आई को, यानी कि मेरी जो फाइल्स हैं हर एक लूप के लिए, अब वो आई फाइल किस में जाएगी, उसी को फॉर्मेट में जाएगी, तो फिर उसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक गलती क्या कर सकती है कि आपका पूरा का पूरा फाइल का फॉर्मेट बदल के पूरा का पूरा डेटा लॉस कर सकती है, तो हमें अपना डेटा नहीं खोना है। तो फिर यहाँ पे आई के साथ साथ पाथ प्लस आई में मूव कर दो, बस ज़्यादा इसको कोई काम नहीं करना, और हमारा ये प्रोग्राम तैयार हो गया। कंट्रोल ऐसे मैं इसको सेव कर देता हूँ, अब देखिए क्या होने वाला है। अब अपने आप देखिए सारी सारी फाइल्स का क्या होता है, ये देखिए अपने आप सब कुछ चली गई सिवाय सिवाय इसके, ये देख लीजिए, और फिर अब देखिए क्या होने वाला है। ये हो गया है, अब मैं सारे फालतू प्रिंट स्टेटमेंट हटा दूंगा, तो फिर जैसे कि ये दिख रहा है तो फिर ये ख़राब लग रहा है, तो फिर इसकी जगह क्या करेंगे हम लोग, एल्स यहाँ पे इतना करने के बाद क्या प्रिंट कर देगा, सक्सेसफुली मूव्ड योर फाइल्स। देख लीजिए यहाँ पे जो है मेरा प्रोग्राम बन चुका है, और फिर मैं आप इसको बंद कर दूंगा, और फिर अब ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सब कुछ हो गया, ये देखिए अभी कुछ नहीं किया क्योंकि ये सब तो अपनी जगह पे है, अब ये कुछ नहीं करेगा, देख लीजिए, इसीलिए आपका डेटा सिक्योर है पूरा। मैं इस जो है सबसे पहले मैं अभी इसको एक exe फाइल बनाऊंगा। अब देखिए अपने फ्रेंड्स को आपको देना होगा, तो फिर मैं क्या करूँगा कि ओपन कमांड विंडो हियर, आपको सबसे पहले पाई इंस्टॉलर इंस्टॉल करना होगा, ऐसे देख लीजिए पिप इंस्टॉल पाई इंस्टॉलर, मैंने पिछले वीडियो में भी शायद वीडियो बनाई हुई है, तो फिर आप जाकर देख लीजिए मेरे चैनल पर, और चैनल तो है कहाँ, वीडियो भागी जाएगी, लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड तो बताएगा ही कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो फिर यहाँ पर मैं टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ। और ये जो है आपको नहीं पता तो फिर कैसे करेंगे कि यहाँ पे शिफ्ट दबा के ओपन कमांड विंडो हियर कहेंगे, यहाँ पे देखिए क्या है कि जब इसको आप पाई जब इसको पाई इंस्टॉलर से इंस्टॉल करेंगे, वो इसका exe बनाएंगे, तो ढेर सारी फाइल्स मिल जाती हैं, लेकिन उसका अच्छा है सोल्यूशन ये है कि आप इसमें एफ पैरामीटर डाल दीजिए, जैसे कि मैं लिखूँ पाई इंस्टॉलर विथ एफ पैरामीटर क्या माई मेन फाइल, अब देखिए क्या होगा। अब बहुत मजा आने वाला है, ये हो गया मेरा काम। अब देखिए मुझे फाइल क्या मिली यहाँ पे, मुझे पता है क्या मिली होगी, तो फिर मैं एक बार इसको रन कर देता हूँ, देखिए क्या होगा। ये देखिए स्पेक्ट फाइल्स में क्या है, ये देखिए आप हर एक फोल्डर अगर ओपन करें, तो फिर देख लीजिए माय मेन फाइल, अब बिल्ड में मैं आ चुका हूँ, तो फिर ये बिल्ड है, तो फिर इन दोनों को छोड़िए, जेपीजी फाइल में देखिए ये जेपीजी थी, जेसन फाइल में जो मेरी जेसन फॉर्मेट की चली गई, और फिर MP3 फाइल में मेरी MP3 चली गई। अब देखिए MP3 और वेव अलग हो गई, क्योंकि वेव और MP3 का फॉर्मेट ही अलग है, तो फिर अलग अलग बन गया, तो फिर मैं सबसे पहले कहूँगा डिस्क में आप जाइए, यहाँ पे देखिए आप एक ही फाइल मिलेगी, इसलिए मैंने कहा था। और ये देखिए सिर्फ कितने के बी की है, 5943 KB, अबाउट 6 MB की है। तो फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा, तो फिर मेरा कोई मेस्ड फोल्डर में ढूंढने वाला हूँ, तो देखिए कितना मेस्ड है, तो फिर मैंने ऑलरेडी कुछ बना रखा है, तो इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए क्या होने वाला है, अब आपको मज़ा आएगा, अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा, देखिएगा अब आपको समझ आएगा कि मैंने वहाँ पे exe क्यों किया था, और ये मेन फाइल डॉट exe, अब मैं इसको रन कर देता हूँ, ये देखिए अब क्या हुआ, सिर्फ इसको छोड़े हुए सारी फाइल्स देखिए, au फाइल्स मतलब au फॉर्मेट वाली, जिसकी फॉर्मेट au था, और फिर htm फाइल यानी html, और फिर jpg फाइल्स में jpg फॉर्मेट के चले गए, और m4a में देख लीजिए, और mp3 में, और फिर MP4 में देख लीजिए सारे MP4 है, चाहे तो मैं फॉर्मेट आपको एक एक करके चेक करा दूँ, यहाँ पे देखिए वैसे लिखा MP4 वीडियो, देखिए जी सारे फॉर्मेट अपने आप इसने अलग कर दिए, यानी कि अब आप अपना सारा जो बोरिंग स्टफ है सिवाय, देखिए अब इसको इसने छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि ये तो exe फाइल मैंने ऑलरेडी कोड कर रखा है, नहीं तो अगर मैं कोड नहीं कर रखता तो फिर क्या होता कि इसकी जो मेन फाइल है जो exe फाइल है वो भी एक exe फोल्डर में मूव कर जाती। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूँ, अब मुझे ढूंढना पड़ जाएगा कोई फोल्डर ऐसा, न्यू फोल्डर ओल्ड फायरफॉक्स फ्लैबी बर्ड फोल्डर, मुझे भी नहीं याद कि किस में क्या रखा है, तो फिर मैं यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूँ,
एंटर करेंगे, ये देखिए क्या होगा, HTML फाइल्स, पाइथन फाइल, PyW फाइल्स, मतलब कि जिनका वो फॉर्मेट अलग हो, और फिर टेक्स्ट फाइल्स देख लीजिए, आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल गया। अब मैं कहीं और जाके दिखाता हूँ इसको, कहीं और मूव करके देखते हैं, और फिर म्यूजिक्स और प्रोसेसिंग, हाँ देखिए प्रोसेसिंग है। अब देखिए यहाँ पे एक exe फाइल है एप्लीकेशन, तो भी देखिए क्या होने वाला है। अब देखिए ये exe फाइल्स में क्या मिल रहा है मुझे। अब देखिए ऐसा है कि यहाँ पे कि किसी भी मतलब कि ये आपने किसी सी ड्राइव की किसी प्रोग्राम फाइल्स में जाके इसको मूव कर मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो फाइल्स यहाँ पे हैं वो अपने ही पाथ में रहे, क्योंकि अगर वो अपने पाथ से जाता है तो आपका प्रोग्राम ख़राब हो सकता है, आपको फिर से उसको मूव करना पड़ जाएगा। तो फिर ये जो है बोरिंग स्टफ के लिए है, जब आप कुछ फाइल्स जैसे मीडिया फाइल्स और मेस्ड अप फोल्डर को ठीक करना रहता है। तो फिर देखिए यहाँ पे exe फाइल्स में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ से शायद मूव कर दिया था, तो मैं कोई और फोल्डर ढूंढ रहा हूँ जिससे कि मैं ट्राई कर सकूँ। अब ये देखिए यहाँ पे कितने सारी फाइल्स हैं, अब देखिए ये अब क्या होने वाला है। हाँ, देखिए LNK फाइल्स, पता नहीं, ओह सॉरी, ये तो जो आइकन फाइल होती है, मतलब कि शॉर्टकट फाइल होती है, उसका LNK फॉर्म होता है। तो फिर लॉग फाइल्स इधर है मेरी, देख लीजिए डिबग, इसका फॉर्मेट चेक करो। तो फिर यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, और यहाँ पे देखिए क्या मिला, डॉट लॉग। तुमको ये वीडियो अच्छी मिला? लगी हो तो फिर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।